श्रीनगर के खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो कुछ टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी काफी ज्यादा अब तक अचीवमेंट जो हैं वो हासिल की हैं। उनसे रूबरू करेंगे, करवाएंगे आपको और उनसे बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आबास खुर्शीद हमारे साथ हैं जो ताइक्वांडो खेलते हैं और हाल ही में फर्स्ट पोजिशन भी जो है उन्होंने हासिल की है। और बहुत सारे और बताया जा रहा है कि बहुत कम उम्र से जो है उन्होंने ये खेलना शुरू किया था। तो सबसे पहले आवाज आपसे ही जानना चाहूंगी, कब से आप खेल रहे हो? मैं तब 4 साल का था जब से मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया। और अभी हाल ही में बात करें तो किन किन कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया? नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल भी, डिस्ट्रिक्ट भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो जब खेलने जाते हो वहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? मैम टफ ही रहते हैं, थोड़े हाइट हाइट की प्रॉब्लम भी होती है, तो होता है कुछ। तो घर वालों की बात करें, सपोर्ट है पूरी? घर वालों की पूरी सपोर्ट है, सबसे और ज्यादा सपोर्ट आगे, मेरे घर वालों की है। और अगर आगे भी बात करें तो क्या कुछ गोल्स हैं आपके लाइफ में? अभी तो सेकेंड एंड ब्लैक बेल्ट करना है, तो वो ही अभी गोल है। और इन फ्यूचर की बात करें तो क्या कुछ बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? अभी खेलना है बहुत, जब टाइम आएगा तब तो कोच बनेंगे। अभी ये ब्लैक बेल्ट की सर्टिफिकेट है। ओके, तो बहुत खूब। तो जिस तरह से आभास ने ब्लैक बेल्ट और तमाम अपने मेडल्स भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो आभास की अचीवमेंट्स हैं, और जिस सर ने कहा कि अभी आगे जाके कोच भी बनना चाहते हैं, आगे और बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। आभास, अगर घर वालों की बात करें तो किस तरह का उनका माहौल रहता है कि ज्यादा कहते हैं कि पढ़ाई करो या खेलते रहते हो? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो पापा बोलते हैं दोनों दोनों में पूरा दो, पढ़ाई में भी 50%, खेलने में 50%। तो चलिए, बहुत अच्छे मैसेज जो है आपके मॉम डैड आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी भी है खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना, और पढ़ाई के साथ जो है इस तरह की कोकरिकुलर एक्टिविटीज जो है उनमें भी पार्टिसिपेट करना। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह ढेर सारे मेडल्स जो है अपने स्कूल के नाम पर इसी तरह जीते रहे। तो मैं चाहूंगी कि स्कूल के अगले बच्चे से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी अचीवमेंट से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो अब हमारे साथ परमीत कौर हैं जो एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स जो हैं वो बनाती हैं, और हाल ही में फर्स्ट पोजीशन भी उन्होंने भी पेंटिंग में हासिल की है। तो परमीत, आपसे जानना चाहूंगी, पेंटिंग्स की बात करें तो कब से आप कर रहे हैं? फोर्थ क्लास से, फोर्थ फोर्थ क्लास से क्लास स्टार्ट से किया कर रहे हैं। पेंटिंग करना। और अभी थैंक यू मैम। बात करें तो कहाँ किन किन कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया था? जो स्कूल में करवाया था कंपटीशन, उन्हीं में पार्टिसिपेट करती हूँ। ओके, और अगर इन फ्यूचर आगे बात करें तो पेंटिंग को लेकर किस तरह सोचा है कि आगे पेंटिंग में? मैम अभी तो देखा है कि अगर अच्छी पेंटिंग्स बनी तो फिर पेंटिंग्स में ही जाना है। ओके, तो मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी, मेरे पास भी कुछ तस्वीरें पहुंची हैं जो परमीत ने पेंटिंग्स बनाई हैं, और एक सर्टिफिकेट भी जो। परमीत, अगर आगे बात करें तो आप चाहते हो कि फुल टाइम इसी में एज अ आर्टिस्ट आप अपना एज अ करियर बनाएं या कुछ और स्ट्रीम में जाना चाहें? मैम अभी तो पेंटिंग में ही है क्योंकि पसंद है मुझे ये। पेंटिंग की बात करें, किस तरह के अलग अलग, जिस तरह पोर्ट्रेट्स होते हैं अलग अलग, क्या क्या आप अभी तक बना पाते हैं? मैम स्केच और पेंट भी, और ये वाटर कलर, पोस्टर कलर से भी। चलिए, बहुत खूब। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने पैशन को इसी तरह फॉलो करती रहें। जी मैम, तो ये लगातार हम आपको कुछ टैलेंटेड बच्चों से मिलवा रहे हैं, और हमारे साथ अब हर्षदीप सिंह हम साथ हैं, उनसे भी रूबरू करवाएंगे।
हर्षदीप सिंह क्या कहेंगे आप? जी ऐसे हमारे इस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी रेगुलर एक्टिविटीज होती रहती हैं। ऐसी मैंने एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जिसको कि NCSC कहा जाता है। फिर रिसर्च करनी होती है बच्चों को, फिर उनके बच्चों की आइडियाज, फिर जो यहाँ की जो गेस्ट होते हैं वो जो होते हैं जिनके स्टूडेंट वेलफेयर से, फिर वो नेशनल लेवल जाते हैं, फिर उनके आइडियाज बड़ी बड़ी कंपनी लेते हैं। जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था, फिर पहले फर्स्ट की डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से मेरा स्टेट हुआ, अब स्टेट से फिर नेशनल। तो जो मेरा ये था रिसाइकिलिंग, मेरा प्रोजेक्ट था रिसाइकिलिंग ऑफ रेजर वेस्ट, तो मैंने रेजर वेस्ट को रिसाइकिल करके ऐसी चीजें बनाई। अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान में कितने सारे वेस्ट जो है वो पड़ा होता है, तो अगर हम देखें हमारे स्कूल्स में या बाहर देखें रोड्स पे बहुत सारा वेस्ट पड़ा होता है, रोड्स होते हैं, इरेजर का वेस्ट होता है, पेंसिल का होता है, मगर वो हम कर लेते हैं, मगर हमें चाहिए कि हम इरेजर का वेस्ट भी रिसाइकिल करें। तो हमने रिसाइकिल करके इस वेस्ट को हमने कुछ ऐसे आइटम्स बनाए। बिल्कुल हर्षदीप सिंह, आपकी उम्र के बच्चों की बात करें तो खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पर आप जिस तरह से इन्वायरमेंट की बात करें, इस तरह बड़े बड़े आइडियाज लाते हैं, किस तरह से ये आइडियाज लाते हैं? एक्चुअली ये जो सारी मदद होती है ये मेरे स्कूल की होती है, और अगर हम देखें ये आइडियाज जब मुझे आते हैं ना, ये एक्चुअली एक खुदा की देन है कि वो मुझे ऐसे आइडियाज, ऐसे उन्होंने मुझे मौका दिया खुदा ने कि मैं आज ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और सारा क्रेडिट मेरे स्कूल को जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत मदद की है ताकि आज मैं इस नेशनल लेवल तक पहुंच सका। ओके हर्षदीप सिंह, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल, कि आप आगे भी इसी तरह क्रिएटिव आइडियाज और ढेर सारी इस तरह की रिसर्च करें। तो ये तमाम बच्चे हम आपसे मुलाकात करवाएंगे जो खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हमारे साथ है, तो टीचर्स भी हमारे साथ है, तो मैं जाऊंगी जाते जाते एक मैसेज हम टीचर्स से ले लें। हेलो जी मैम, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, और जब इतने टैलेंटेड बच्चे आपके स्कूल में हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि इतना इंपॉर्टेंट होता है स्टडीज के साथ इस तरह की कोकरिकुलर एक्टिविटीज का भी होना और इस तरह की एक्टिविटीज? मैम बहुत जरूरी है कि आजकल की जो हमारी हमारी जितनी भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इनफैक्ट हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वही ये कहती है कि 70-30 रेशियो रखिए, 70% आप लोग को करिकुलर एक्टिविटीज को दीजिए एंड 30% आप अकेडमिक्स को दीजिए। तो बहुत जरूरी है बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, एंड वॉट एवर जो भी इनके क्रिएटिव आइडियाज हैं, इन क्रिएटिव आइडियाज को हाईलाइट करना करना, एंड टीचर्स ही हैं तो ये देखना है कि बच्चे जो है वो चीज टैलेंटेड है, एंड चीज बच्चा इंटरेस्टेड टैलेंटेड है, एंड उस चीज को हाईलाइट कि उसको पर्टिकुलर ग्राउंड देना, वो पर्टिकुलर फील्ड देना, सो दैट कि वो उसमें अपना एक्सेल कर सके, उसमें अपना वर्कआउट कर सके, अच्छे से काम कर सके। बिल्कुल थैंक यू। हम चाहेंगे एक और मैसेज मैम से ले लें। जी जैसे कि आजकल सभी खेलकूद के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ भी खेलकूद भी बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारी सोसाइटी में है उनको भी ये चीजें बताएं कि, और ये मैसेज मैं चाहती हूँ कि हर एक घर में पहुंचे कि हमें अपने बच्चों को बस खाली एकेडमी के लिए नहीं करना चाहिए, खेलकूद भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे बच्चा जो है वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और मेंटली भी फिट रहता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सारे बच्चे आजकल फोन के साथ ही लगे हुए होते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिस वजह से उनकी आंखें भी खराब हो सकती है, सेहत भी खराब हो सकती है। तो पेरेंट्स से ज्यादातर ये रिक्वेस्ट है एज अ टीचर मैं बोल सकती हूँ कि वो अपने बच्चों को ज्यादातर आउटडोर गेम्स के लिए ही रेफर करें। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और हमारा ये मकसद था जिस तरह की तमाम स्कूल्स की बात करें तो एक उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है बच्चे की ग्रोथ की बात करें या तमाम आगे फ्यूचर में किस तरह एक बच्चे का फ्यूचर रहेगा। तो थैंक यू सो मच सभी ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो ये श्रीनगर से खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने हाल में अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और अचीवमेंट्स उनकी, और जिस तरह टीचर से भी बातचीत की, उनका भी कहना है कि स्टडीज के साथ साथ जो है
कोकरिकुलर एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा जरूरी होती हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए, और जो आज की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये तमाम चीजें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। तो इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि टैलेंटेड बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते रहे। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।